नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या नमः पार्वती आज की इस सत्संग सभा को अपनी उपस्थिति से समग्रता प्रदान कर रहे आप सभी विद्वज्जन उल्लेखनीय हैं स्वामी अम्बरीशानंद जी महाराज, श्रीमान देवानंद शुक्ल जी सपत्नीक, हमारे कजरी सुनाने वाले प्यार से भाई शारदानंद जी, यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन सुधी श्रोताजन मातृशक्ति, धर्म महत्वपूर्ण तो है ही है, कितना महत्वपूर्ण है तो बताया, इसके बिना काम नहीं चल सकता। धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा, धर्म ही है जिसने हमको धारण करके रखा है, अन्यथा धारण करना कठिन हो जाता है। अब ये धर्म जो है दो तरह का है, साधारण और विशेष। साधारण जो धर्म है, सामान्य धर्म, वो महत्वपूर्ण है कि विशेष धर्म महत्वपूर्ण है? इस संसार में जहाँ पर भी इस तरह की तुलना की जाती है, असल में वो तुलना बेमानी होती है, तात्पर्यहीन होती है, क्योंकि सबका अवसर होता है और अपने अपने अवसर पे सब महत्वपूर्ण होते हैं। किस समय कौन महत्वपूर्ण है यही देखा जाता है। इसलिए जब हम आत्म कल्याण की बात करते हैं तो वहां तो विशेष धर्म आ जाता है,
और जब हम सर्व कल्याण की बात करते हैं तो वहां सामान्य धर्म आ जाता है। इसलिए विशेष धर्म केवल आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, जो सामान्य धर्म है वो सबके कल्याण की बात करता है, विश्व का कल्याण हो। ये बात हम विशेष धर्म के कारण नहीं बोल सकते, सामान्य धर्म के कारण बोल सकते हैं, क्योंकि सब ने उसको धारण किया हुआ है और सबका कल्याण होगा। इसलिए सामान्य धर्मों के बारे में पहले हम लोगों ने जानना शुरू किया, सत्य जाना, धैर्य जाना, दम जाना, क्षमा जाना, दया, अस्तेय, अहिंसा, श्रद्धा, तप, ब्रह्मचर्य, शुचिता, शम, गुरु शुश्रूषा, इस तरह से एक एक सामान्य धर्म को समझने की कोशिश करते हुए हम लोग आज यहां तक पहुंच गए। अब आज के लिए जिस धर्म को समझना है हमको, उस धर्म का नाम है दान। आपको पहले ही सूची बता दी गई है, इसलिए जिसने सूची को याद रखा है उसको पता है। अब दान धर्म के बारे में आपने सुना ही होगा, ये बड़ा धर्म है। इतना बड़ा धर्म है कि इस समय तो इसी का बोलबाला है, सदा से रहा है। ये बताया गया है कि गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सदी सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। सात खंबे हैं जिस पे ये धरती टिकी हुई है। कौन कौन से? गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारी, सत्यवादी लोग जिनके मन में लोभ नहीं है, और जो दान धर्म को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, दानी। ये सात लोग हैं जिन्होंने अपनी पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करके रखा हुआ है। माने धरती अपनी कक्षा में है, गिर नहीं रही है नीचे, उसमें दानी का भी योगदान है। इसीलिए ये जो दान नाम का धर्म है ये तो महत्वपूर्ण सदा से रहा है, लेकिन कलयुग में तो कहते हैं दानमेकम कलौ युगे, कलयुग में केवल दान। एक दान धर्म को कोई पकड़ ले तो उसका कल्याण है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। दा दाने धातु है, उससे दान शब्द बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वत्व का दान। आप लोग समझते हैं हम किसी वस्तु का दान कर रहे हैं, वस्तु का दान नहीं होता। वस्तु तो जहां है वहीं है। आप भूमि का दान करेंगे तो भूमि क्या चली जाएगी? पहले यहां थी, अब चली जाएगी दूसरी जगह। अगर हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमने काशी के रहने वाले को भूमि का दान कर दिया तो वो भूमि को काशी ले जाएगा? नहीं ले जा सकता, वो तो जहां आए वहीं रहेगी। तब क्या दान क्या हुआ? तो दान जो है वो मालिकाने का होता है। असल में ये जो संसार है ये हमारी संपत्ति नहीं है। एक गलत फहमी हमारे मन में आ गई कि ये हमारी संपत्ति है। ये सब संपत्ति भगवान की है। सब संपत्ति रघुपति के आही। तुलसीदास जी ये बात कह रहे थे तो उनको बांदा की भाषा आ गई, बहुत अंदर से कह रहे होंगे इसलिए उनके जन्मस्थान की भाषा आ गई। सब संपत्ति रघुपति के आही, आही माने है, ये वहां की भाषा।
सब संपत्ति रघुवर की है, भगवान की है। अब जब भगवान की है तो हमारी कैसे हो सकती है? अच्छा चलो, आप भगवान की मानना नहीं चाहते हैं तो आपको हम दूसरे ढंग से बताते हैं। जो संपत्ति आपके पास है, विशेष करके भूमि संपत्ति कोई मानते हैं, चल और अचल दो तरह की संपत्ति है, भूदेवी और श्रीदेवी, इसमें भूदेवी प्रमुख है। ये जो संपत्ति है, आप जिस जमीन को कह रहे हैं ये मेरी है, असल में वो आपकी नहीं है, वो सब सरकार की है, पूरा देश सरकार का है। तो फिर हमारा क्या है? वो जो लिखा पढ़ी हम करते हैं वो क्या है? वो केवल कब्जा है, उसी का ट्रांसफर हो रहा है। आपने जा करके कब्जा कर लिया, और जितनी दूर आपने कब्जा कर लिया उतना आपका होगा, यही नियम है। ये भूमि किसी सरकार ने भी नहीं बनाई, ये भूमि सरकार तो 47 ईस्वी में बनी, उसके पहले किसकी थी ये भूमि? अगर सरकार कहे कि हमारी है भूमि, तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी है तो आप बताइए आप कब से आए, बोले हम सन 47 के पहले किसकी थी ये भूमि, कहेंगे अंग्रेज सरकार की, उससे हमको मिली। अंग्रेज सरकार के पहले किसकी थी, कहेंगे मुगल सरकार की, मुगल सरकार के पहले किसकी थी, किसकी कहोगे? अंततः भगवान की। अभी भी जहां पर कोई नहीं गया है वहां पर जमीन किसी की नहीं है, क्योंकि कोई गया ही नहीं, तो वहां जो पहले पहुंच जाता है, जाकर के अपना झंडा गाड़ देता है, अपनी बाउंड्री बना देता है, तो वो भूमि उसकी हो जाती है। चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं? झंडा गाड़ने, ये हमारी है, हम आए थे, अपने चरण हमने रख दिए, इतनी दूर हमने कब्जा कर लिया, ये हमारी है। पहले तो पूरे मंगल पे हमारा कब्जा हो गया, अब जब दूसरा जाएगा तो वो भी कब्जा करेगा, फिर हमारे और उसमें फिर लड़ाई होगी कि इतनी दूर तुम्हारा, इतनी दूर हमारा, क्योंकि वो भी पूरे मंगल पे अपना कब्जा कहेगा, हम भी पूरे मंगल पे अपना कब्जा कहेंगे, दोनों में से दोनों का माना जाएगा, दोनों का माना जाएगा, तो फिर जितनी दूर जो बाउंड्री बना सकेगा उतना उसका हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो भूमि है, इस भूमि पर जो भी चल अचल संपत्ति है वो सब भगवान की है, हमने कब्जा किया हुआ है, उसी कब्जे को हम अपना स्वामित्व बना करके उसी को बेचते हैं या उसी का दान करते हैं। इसलिए दान का मतलब क्या है? स्वस्वत्व का परित्याग करना, और पर सत्व का, जिसको दान दे रहे हैं उसका, उस पर आपादन करा देना। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर सत्व प्रतिपादनम दानम। कानून की दृष्टि से क्या है? आज से मालिकाना का भी कब्जा दाखिल करा देता हूं, यही ना है वकील साहब? कब्जा दखल वाकई करा दिया है, हमारे स्थानापन्नों पर भी ये लागू होगा, यही है। और क्या मिला? कब्जा मिल गया, पहले हमारा था, अब हमने छोड़ दिया, छोड़ के अब तुम्हारा करा दिया। पहले ये कलम हमारी थी, हमारा मालिकाना था, अब हमने इनको दे दिया, अब इनका कब्जा हो गया। तो दान का मतलब, वस्तु तो जहां की तहां है, जो थी वही है, दान का मतलब अपने स्वत्व का परित्याग। और केवल परित्याग नहीं, क्योंकि परित्याग होगा तो दान नहीं होगा, कोई सन्यासी जो है वो निकल जाए छोड़ छाड़ के तो दान थोड़े हुआ, वो परित्याग हुआ, हमने छोड़ा लेकिन छोड़ करके अमुक का मालिकाना करा दिया, तो ये दान होता। शास्त्र कहता है कि पात्र को दान करो, किसी को भी हम नहीं दे सकते, कि बस हमारे पास कोई चीज है तो हम किसी को भी दे। इसलिए अगर ये परिभाषा बनाएंगे कि अपने मालिकाना को हटाकर दूसरे का मालिकाना करा देना, तो दान की परिभाषा नहीं आएगी। दान की परिभाषा कब होगी? जब सत्पात्र होगा वो लेने वाला। इसलिए अगर हम कब्जा पर, या तो हम अपना कब्जा किए रहे और अगर छोड़ते हैं तो किसी गलत आदमी का कब्जा ना होने दें, ये बहुत जरूरी है।
बिक्री में भी कानून यही भावना लागू हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हमको कम पैसा मिलेगा लेकिन अमुक को नहीं हम बेचेंगे, हम अमुक को बेचेंगे। कुछ दुष्ट होते हैं जो ज्यादा पैसे के लिए गलत व्यक्ति को भी अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, उनकी समाज प्रशंसा नहीं करता। इसका मतलब है कि शास्त्र क्या चाहता है, शास्त्र ये चाहता है कि या तो आप अपना कब्जा चीजों पे बनाए रखिए, और अगर छोड़ना ही है तो सत्पात्र के लिए छोड़िए, अन्यथा छोड़िए मत। इसलिए दान सत्पात्र को देने के लिए विधान किया। बहुत जोर दे दिया इस पे, इतना जोर दे दिया कि कहते हैं कि तुम्हारा देना बेकार हो जाएगा अगर तुमने कुपात्र को दे दिया। दो श्लोक गरुड़ पुराण के सारी कहानी कह देते हैं, सुपात्र के बारे में और कुपात्र के बारे में। दो चक्र चलाते हैं, करुण पुराण कहता है सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यः, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम्, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दानी। एक साइकिल है, एक चक्र है। क्या चक्र है कि सत्पात्र को जो देता है, सत्पात्र को देने के प्रभाव से धनाढ्य होता है। आप जब दान करते हैं तो दान करने से अगर आपके घर में धन घटने लगे, नियम है कि दान करने से धन घट नहीं सकता। बोने से कहीं अनाज घटा है, खाने से अनाज घटता है, बोने से तो और बढ़ जाता है। तो ये जो दान है ये बोना माना जाता है। जैसे कोई किसान खेत में बोनी बोता है, दाना ले जाके खेत में छिड़कता है, तो उससे उसका दाना जितना होता है उससे कई गुना हो जाता है। इसी तरह से जो धन है हमारा उसकी उत्तम गति है दान। दानम भोगो नाशः तिश्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। सबसे पहला तो दान का, धन का यही उपयोग है। दानम उत्तम प्रयोग, धन आए तो उसका उत्तम प्रयोग है दान। मध्यम प्रयोग है भोग, और दो ही प्रयोग हैं, तीसरा तो है ही नहीं है, तीसरा फिर नाश हो जाता है। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो, तीन ही गति है, चौथी कोई गति नहीं। तो इसलिए दान करने से कभी धन नहीं घटता, ये जान लो। जो लोग देते रहते हैं उनके घर में बढ़ता ही रहता है। धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, पानी बाढ़ो नाव में धन में बाढ़ो दाम, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ को लीचिए यही सयानों का। ये दान से कहीं नहीं हटा, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि बड़े दानी थे लेकिन कंगाल हो गए। दान देने से कंगाल होते भी लोग देखे जाते हैं। तो लोग पूछते हैं भाई ये दानी थे इनके घर में धन कैसे घट गया, तो उसका जवाब है गरुड़ पुराण। पुराण कहता है कि कुपात्र को दान दोगे तो धन घट जाएगा, और सत्पात्र को दान दोगे तो धन बढ़ जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, किसान अगर खेत में ले जाके छींटेगा, जोते गए कमाए गए खेत में अगर उसको छींटेगा तब ना कई गुना होगा, और ले जाके ककरीली पथरीली में बंजर भूमि में ऊसर भूमि में छिटक देगा तो उसके कई गुना होगा। कहां से कई गुना होगा, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। इसी तरह से सत्पात्र को देने से पड़ता है। इसलिए सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यः, सत्पात्र होगा लेने वाला तो आपके दिए गए दान के प्रभाव से आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। और धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम्, जिसके पास जितना धन होता है उसके पास उतने ज्यादा अवसर हो जाते हैं पुण्य करने के। तरह तरह की पूजाएं कर सकता है, तरह तरह के दान दे सकता है, तरह तरह के यज्ञ आदि कर सकता है, मंदिर बनवा सकता है, वापी कूप तड़ाक इष्टापूर्त अनेक कर्म होते हैं, धन साध्य बहुत सारे कर्म है वो करने लग जाता है। तो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम्, बहुत सारा पुण्य उसके हाथ से होने लगता है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति,
किए गए पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है, वहां पर पुण्यों का उपभोग करता है। सिद्धांत के अनुसार क्षीण है पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक में आता है, लेकिन गिरते समय देवता भी निशाना लगा के गिराते हैं कि ये पुण्यात्मा है, ऐसी जगह इसको गिराओ, पुनर्धनाढ्य, फिर धनाढ्य घर में पैदा होता है। सोने की चम्मच से ही वो पहला दूध पीता है और पुनरेव दानी, बड़ा होकर फिर से दानी हो जाता है और फिर से सत्पात्र को दान करता है, तो फिर क्या होता है, फिर वही साइकिल चल पड़ती, वो तो ऐसे गोल गोल दूध। इसलिए पात्र में दान का महत्व है, और कुपात्र दान करेगा तो क्या होगा, कुपात्र दानाच भवे दरिद्र, तुरंत उसके घर में धन घटना शुरू हो जाए। इसलिए दान करने पर अगर धन घट रहा है तो समझ लो कि कुपात्र को जा रहा है, सावधान हो जाओ कि भाई दे तो रहा हूं मैं लेकिन गलत जगह जा रहा है, इसीलिए मेरे घर में धन की घटना शुरू हो गया। कुपात्र दानाच भवे दरिद्र, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्र है पापी पेट का सवाल क्या करेगा, पाप ही करेगा, और पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से नरक जाना पड़ेगा, और नरक से जब निकलेगा तो वहां से भी निशाना लगा के गिराया जाता है, क्योंकि नरक में बड़ा नरक है, बड़े नरक में पाप भुगाने की मशीनें भी बड़ी बड़ी हैं, छोटे छोटे पाप की तो गिनती नहीं है वहां। तो नरक में पाप भोगने के बाद शास्त्रों में बताया गया है कि जो छोटे छोटे पाप रह जाते हैं वो बच जाते हैं, तो उसके लिए मृत्यु लोक में आकर के भोगना पड़ता है। तो पुनर्दरिद्र और पुनरेव पापी, फिर से दरिद्र घर में जन्म लेता है और दरिद्र होने के कारण फिर से पाप कर्म निरत हो जाता है। इसलिए दान जो है वो अपने सत्व का निवारण करके दूसरे लेने वाले के सत्व को संपादित करना, लेकिन उसमें पात्रता का विचार पूर्वक। इसलिए शास्त्र क्या कह रहा है, अर्थानाम उदिते पात्रे, उदित पात्र में, कुपात्र में श्रद्धया प्रतिपादनम, और देने वाला जो है जब देता है तो वो श्रद्धा के साथ देना चाहिए। अभी और आगे और साफ करेंगे। दानमित्य भी निर्दिष्टम षडंगम तद विदो विदुः, ये जो दान है ये अर्थानाम उदिते पात्रे, श्रद्धया प्रतिपादन, श्रद्धा के साथ दिया जाए, देने वाले में श्रद्धा हो और लेने वाले में पात्रता हो, समझो दान बहुत सुंदर उत्तम हो गया। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। शास्त्र में बताया ये जो दान है, द्विहेतुम षडधिष्ठानम षडंगम षड विपाकयुत चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते, इसके बारे में शास्त्र में बहुत विचार किया गया, भरा पड़ा है धर्मशास्त्र दान के बारे में चर्चा से। कहते हैं द्विहेतु, कोई व्यक्ति दानी क्यों बनता है, उसके दो हेतु हैं, दो कारण, क्या है वो, एक श्रद्धा है और एक भक्ति है, या तो श्रद्धा से देता है या भक्ति से देता है। श्रद्धा में और भक्ति में क्या अंतर है, ये प्रश्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रद्धा का क्या मतलब है। शास्त्र कहता है प्रत्ययो धर्म कार्येषु, धर्म कार्यों में, धर्मशास्त्र के वचनों में श्रद्धा। धर्मशास्त्र ने कहा है कि दान करने से पुण्य होता है, तो हमको श्रद्धा हो गई, मैंने मान लिया हाँ दान करने से पुण्य होता है इसलिए दे रहा हूं। तो माने श्रद्धा का मतलब शास्त्र वचन में श्रद्धा,
अपने वेदांत सार में भी गुरु जी ने बताया, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा, गुरु के वाक्य में, वेदांत के वाक्य में विश्वास श्रद्धा है। गीता जी में भगवान ने बताया, ये गीता जी के विद्वान हमारे शुक्ल दंपति बैठे, गीता में भगवान ने कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन तरह की श्रद्धा होती है, एक सात्विक की श्रद्धा, एक राजसी श्रद्धा और एक तामसी श्रद्धा। तीनों श्रद्धा है लेकिन तीनों का अंतर है, क्या अंतर है? अरे भाई, जो सात्विक की श्रद्धा है वो सात्विक देवताओं के पास लेके जाएगी, जो राजसी श्रद्धा है वो राजसी देवताओं के पास लेके जाएगी, यक्ष कुबेर आदि के पास, और तामसी श्रद्धा वो भूत प्रेत चाई चाई यहां लेके जाएगी। तो सब श्रद्धालु हैं लेकिन शब की श्रद्धा में चूंकि सत्व रज तम का अंतर है इसलिए वो वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वहीं तक ले जाने की क्षमता है। और जहां जा रहे हैं वहां मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है कि सब जगह सब कुछ मिल जाए, सबकी अपनी सीमा है देने वालों की। तो जिसकी जितनी सीमा है, जो जितना छोटी वस्तु मांगोगे आप उतनी जल्दी आपको मिल जाएगी। आप कहें ए भाई जरा माचिस देना यहाँ किसी से, तो जिसके पास होगी तुरंत निकाल के दे दे, किसी को जरा कलम देना तुरंत दे देगा। और अगर बड़ी चीज मांगे तो जल्दी नहीं मिलती, उसके बारे में फिर विचार होगा। आपकी कन्या का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, ऐसा प्रस्ताव कोई लेके जाए कि अच्छा आप कौन हैं क्या हैं, फिर खोज शुरू हो जाए, विचार होगा। अगर आप पात्र होंगे तब विचार किया जाएगा। इसी तरह से बड़ी चीजें आप मांगते हैं तो देखा जाएगा कि इनको जरूरत है कि नहीं, कैसे आ गए क्या। तो ऐसे ही जो क्षुद्र देवता हैं वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन छोटी जरूरत पूरी करते हैं और उसके बदले में वसूली बहुत तगड़ी करते हैं। पुलिस भी है, न्यायालय भी है और गुंडा भी है आपके मोहल्ले, तीनों जो है आपकी समस्या दूर करते हैं। आप पुलिस के पास जाएंगे उसका भी अपना रेशियो है कि इतनी देर में काम करेंगे। वैसे कहते हैं कि एक बार पूरे विश्व की पुलिस की बैठक हुई एक जगह पर, सब देशों की पुलिस आई, बैठक शुरू हो गई, कहा भाई अपनी अपनी विशेषता बताइए। तो एक देश की पुलिस खड़ी हुई, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो अपराध होता है, एक हफ्ते के अंदर हम पर्दाफाश कर दे। दूसरे की देश की खड़ी हुई, उन्होंने कहा हमारा 5 दिन लगता है। तीसरे देश के खड़े हुए, हम 3 दिन में निराकरण कर देते हैं। और बड़े देश का खड़ा हुआ, उसने कहा कि 1 day only, इससे ज्यादा हमारा लगता नहीं है, हम तो 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने में विश्वास रखते हैं। भारत के लोग भी गए थे, पुलिस वाले चुप बैठे थे। किसी देश वाले ने कहा भाई आप बोले जी हम क्या कहें, बोले नहीं नहीं आप जो आपकी विशेषता है आप भी बताइए। बोले जी हमारे तो अपराध होने के 24 घंटे पहले ही हमको पता हो जाता है कि कहां क्या होने वाला है, क्योंकि अपराध करने वाला पहले हमसे संपर्क करता है कि हम ये करने वाले हैं, आप लोग जरा हट बढ़ जाइएगा। तो ये अलग बात है लेकिन पुलिस का अलग है। न्यायालय में जाएंगे, तारीखें पढ़ेंगे, फिर एक दिन निर्णय होगा और गुंडा तुरंत आपके पास आएगा। जैसे ही आप गए, चलो हम देखते हैं, दौड़ के आएगा, अपने साथियों को बुला लेगा, जो आपको परेशान करता है उसको पीछे परे धकेल देगा, लेकिन कीमत सबसे ज्यादा वही वसूलेगा, जान लीजिए। इसलिए जो लोग जल्दबाजी के चक्कर में क्षुद्र देवताओं की आराधना उपासना करते हैं उनका काम जल्दी तो बनने लगता है लेकिन बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे गुंडा घर देख लेता है,
तो जब उसको जरूरत होती है तो आपको एटीएम समझता है, तुरंत आके खड़ा हो जाता है कि भाई ये करो, नहीं तो फिर हम बिगाड़ देंगे तुम्हारा काम, आपकी नस पकड़ लेता है। ऐसे ही ये क्षुद्र देवता भी आपका काम करेंगे और फिर आपकी नस पकड़ लेंगे। जब उनकी पूजा बनती है तुरंत चढ़ पाए। इसलिए समझना है कि हमारी जो श्रद्धा है वो कैसी होनी चाहिए, ताकि हमको ये जो बीच में समस्याएं आने की संभावना है ये ना आए। तो ये तो द्विहेतु, दान का दो हेतु हैं, एक श्रद्धा और एक भक्ति। ये श्रद्धा के बारे में हमने बताया कि श्रद्धा का मतलब है शास्त्र वाक्य में विश्वास करके दान करना कि अनेन दानेन, इस दान से ये फल हमको मिलने वाला है। और भक्ति, भक्ति क्या है? भक्ति शब्द जो है भज सेवायाम धातु से बनता है, और सेवा जो है वो तत्परता से होती है, और तत्परता जो है वो स्वभाव से आती है। इसलिए सेवा का मतलब क्या है? तत्पर हृदय। सेवा करके सुख मिलता है। सबसे अच्छा सेवक कौन माना जाता है? नौकर भी सेवक है, चाकर भी सेवक है, सेवक भी सेवक है, शुश्रूषक भी सेवक है, सब सेवक है, लेकिन सबसे अच्छा सेवक किंकर माना जाता है। किंकर, किंकर को कहना नहीं पड़ता, किंकर आपका सेवक है, वो आपको देखता रहता है और मन में सोचता रहता है किंकरवाणी किंकरवाणी, अब इनके लिए मैं क्या कर दूं। देखता है कि ऐसे देख रहे हैं, रुमाल चाहिए, लाके रुमाल रख देता है। ये हमारे ब्रह्मचारी गुरु महाराज जी को देखते रहते थे, समझ जाते थे कि अब इनको क्या चाहिए, बिना कहे बिना इशारा किए। इशारा करना तो बहुत दूर की बात, कि इशारा करना पड़ा तब आई चीज। अपने आप सोचता रहता है अपने प्रभु के लिए कि मैं क्या करूं, किंकरवाणी। ऐसा चिंतन करने वाला किंकर कहलाता है। यह सबसे ऊंचा सेवक है। क्यों? उसका स्वभाव है, उसको सेवा से सुख मिलता है और कुछ नहीं चाहिए। तो सेवा से जिसको सुख मिलता है वो सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। उसी तरह से दान करने से भी कुछ लोगों को सुख मिलता है, इसलिए वो भक्त सेवक, भक्त दानी बताएगा। वो भक्ति के कारण, स्वभाव के कारण देते हैं, उनका देना ही स्वभाव है। वो नहीं देंगे तो उनको पीड़ा होगी, उनको समस्या होगी, इसलिए वो देते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते, देना उनका स्वभाव, और कुछ जो है उनको देने से पीड़ा होने लगती कि क्यों दे रहा है, बीच में आके टांग अड़ाते हैं कि अरे भाई। जैसे शुक्राचार्य जी बलि ने संकल्प कर दिया कि देना है, बीच में आ गए, अरे क्या कर रहे हैं? कहा महाराज दान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दान का समय है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में दान का समय है, उसी समय हम बैठे हैं, कमंडल लेके बैठे हैं, आपको बैठा के बैठे हैं। क्या नहीं नहीं समझो बात को, ये विष्णु है, मैंने सब समझ लिया है, ये तुम्हारे साथ छल करेगा। कहा महाराज तो मैंने तो संकल्प कर दिया है, अब ये छल करेगा तो उसका पाप है, हमारा क्या पाप। कहा सब कुछ तुम्हारा ले लेगा, कहा सब कुछ ले लेगा, उसके पहले सब कुछ दे तो दिया हमको। तीन लोक का स्वामी होके, विष्णु होके हाथ फैलाए हमारे सामने खड़ा है, इससे बड़ा कोई दृश्य होगा? ये दृश्य इसने पहले दे दिया। ये जो देने वाला लेने वाला है ना, ये लेता बाद में है, देता पहले। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे अदत्वा मादृशो मा भूः त्वं दत्वा त्वादृशो वा। याचक जो है वो मांगता नहीं है, बल्कि वो हमको बताने के लिए आता है। क्या बताता है? देख भाई, मैंने नहीं दिया पिछले जन्मों में, तो आज मैं भिखारी बन के खड़ा हूं,
इसलिए मना करके मेरे जैसे तू मत होना। त्वम दत्वा त्वादृशो भव, तुमने दिया है इसलिए आज भगवान ने तुम्हारी देने वाले की हैसियत बनाई है, इसलिए अपनी इस हैसियत को बरकरार रखना, मना मत करना। ये बात बताने के लिए वो हमको उपदेश दे रहा है, दे ही रहा है, ले क्या रहा और ले करके हमको कृतार्थ कर रहा है। कोई सत्पात्र अगर आ जाए तो हमारा धन सफल हो गया, अन्यथा उसकी सफलता क्या है? अगर हम देना भी चाहें और कोई सत्पात्र ना हो तब? इसलिए आए हुए सत्पात्र का बारंबार स्वागत है। क्यों? क्योंकि वो हमको देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया, इसलिए देना। देने में रोक नहीं लगाना है। और बलि की बात सही भी निकल गई, भगवान ने दे दिया। क्या दिया? देखिए लेने वाला कितना ही बड़ा हो छोटा पड़ जाएगा, और देने वाला कितना ही छोटा हो बड़ा हो जाएगा। भगवान छोटे बन के गए बामन, और बाद में दिखाया अपना जलवा, बढ़ गए त्रिविक्रम। उन्होंने अतिक्रमण किया, सीमाएं लांग गए, इतने बड़े हो गए। मृत्यु लोक में कोई इतना बड़ा नहीं होता है कि उसका पैर वहां तक चला जाए, लेकिन उन्होंने अतिक्रम किया, त्रिविक्रम बन गए। लेकिन उसी अवतार में, एक ही अवतार है, उसी अवतार में भगवान छोटे भी बने हैं और विशाल भी बने, इतने बड़े कि जितना बड़ा आज तक कोई नहीं बना, ना हिमालय उतना बड़ा, ना विंध्याचल उतना बड़ा, कोई उतना बड़ा नहीं बना जितने बड़े त्रिविक्रम बने। लेकिन अवतार का नाम बामन ही रह गया, त्रिविक्रम अवतार नहीं हो पाया। क्यों? मांगने गए थे, इसलिए छोटे से उनकी पहचान हुई, बड़े से उनकी पहचान नहीं हो सकी। तो हाथ फैला दोगे तो कितने ही बड़े रहो छोटे हो जाओगे। और छोटा था बलि, कितना बड़ा हो गया। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग। कहा महाराज यही मांगता हूं कि जब बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, है ना? ऐसी विनम्रता से मांगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब नीचे चले गए सुतल लोक में, वहां उनको वास दे दिया भगवान ने, और महल के चारों तरफ चार दरवाजे। अब भगवान सोचने लगे कि मैं क्या करूं, निकलेगा किस दरवाजे से, पता नहीं किस दरवाजे से बलि निकल जाए। कभी उसका मन हो गया पश्चिम दरवाजे से जाना है तो पश्चिम में, कहीं मन हो गया उत्तर तो। भगवान ने चार रूप धारण किए और चारों दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि पता नहीं किस समय बलि किस दरवाजे से निकलेगा, उसको मेरा दर्शन हो जाए। हम और आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान दर्शन देने के लिए हर दरवाजे पे खड़े हैं, मुस्तैद होके तैयार होके। इससे बड़ा कोई बड़प्पन होगा? ये बड़प्पन बलि को कहां से मिल गया? ये जो दान नाम का धर्म है, इसी दान नाम के धर्म के प्रताप से हमसे। बहुत बड़ा धर्म। इसलिए द्विहेतु, दो हेतु हैं, एक श्रद्धा और एक भक्ति। श्रद्धा का मतलब है किसी फल की कामना से शास्त्र के बताए गए नियम के अनुसार हम दान करते हैं, और एक है स्वभाव ही है, हमको देना ही है, बिना दिए रहा नहीं जाता, इसलिए हमको देना है। दो ही कारण है, चाहे इस कारण से कोई देता है, चाहे इस कारण से कोई। सदधिष्ठानम, इसके छह अधिष्ठान हैं, जहां ये विराजमान रहता है वहीं से निकलता है। कौन कौन से छह? एक तो धर्म, एक अर्थ, एक काम, एक लज्जा, एक हर्ष और एक भय। ये छह अधिष्ठान। धर्म का मतलब है धर्म बुद्धि से दान किया जाता है। धर्म बुद्धि है तो वहां संभावना है कि यहां दान होगा,
धार्मिक व्यक्ति है मतलब वहां दान होगा उसका अधिष्ठान। तो कोई कोई धर्म बुद्धि से दान करता है, कोई अर्थ बुद्धि से दान करता है कि भाई देंगे तो फिर मिलेगा। अमुक साहब चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर हम दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, इनके जीतने की संभावना है, जीत जाएंगे तो हमको ठेका दे देंगे तो कई गुना मिल जाएगा। माने लाभ की आकांक्षा से, जैसे मछली पकड़ने वाला मछली के मांस का एक टुकड़ा कांटे में लगा देता है और फेंक देता है। बताइए, मछली पकड़ा था मेहनत से, अब उस मछली के मांस का टुकड़ा पानी में फेंक रहा है, क्यों? इसलिए नहीं कि वो फेंक रहा है, इसलिए कि इससे और आ जाएगा। इसी मांस के टुकड़े को देख के मछली आएगी, जब खाने लगेगी तो उसके गले में कांटा फंस जाएगा, मैं खींच लूंगा। माने अर्थ से अर्थ। तो कुछ लोग इसलिए भी देते हैं कि लगा दो बाद में फायदा होगा, इसलिए भी दान होता है। और कुछ लोग काम के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दान करते हैं कि मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, इसलिए दान करता हूं। धर्म अर्थ काम। और कुछ लोग लज्जा से करते हैं कि लोग मांगने आया है कोई, अब मना करेंगे तो बड़ी जगहंसाई होगी, निंदा होगी, क्या करें फंस गए, चलो कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो दे देते। क्लब की मीटिंग हुई, अरे भाई उत्तराखंड में आपदा आ गई है, एक बोला मैं 5,000 देता हूँ, एक बोला मैं 10,000 देता हूँ। अब उसी क्लब में अपने को भी रहना है, अपना देने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, क्लब मेंटेन करना है। तो संकोच बस अपन ने भी किया, हाँ 3,000 हमारा, अरे 3,000 अच्छा 5,000 दे दिया, यही होता है। तो कोई कोई लज्जा के कारण, कोई कोई इसलिए देते हैं कि हर्ष खुशी में दे देते, ऐसा कुछ हुआ कि यूं निकाले यूं दे दिए। कोई भजन गा रहे हैं तो उसके ऊपर जाके लुटा रहे हैं, किसी का विवाह हो रहा है तो इतनी खुशी है समा नहीं रही है, तो जेब से पैसा निकल करके घोड़े के ऊपर, बाजा वाले के ऊपर, इसके ऊपर लुटा रहे हैं हर्ष के कारण। वो भी अधिष्ठान है, हर्ष आएगा तो निकलेगा पैसा। और कोई कोई भय के कारण मकान बना रहे हैं, नक्शा पास नहीं करवाया है, विकास प्राधिकरण का इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल लेके आया, अभी रोक करके स्टैंड पर लगा रहा है और अंदर से आपने देख लिया, जेब पे हाथ लगाते हैं कि कितना है देना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस लगा देगा। भय के दान 6 अधिष्ठान हैं, धर्म से, अर्थ से, काम से, हर्ष से, लज्जा से और भय से दान होता है। द्विहे तुम सदधिष्ठानम षडंगम, 6 इसके अंग, दाता, प्रतिगृहीता, श्रद्धा, देय वस्तु, देश और का, ये 6 होंगे तब दान सफल होगा, इसलिए षडंग दान। दाता कौन है? दाता जो है वो है जिसके मन में श्रद्धा है अथवा भक्ति है, वही तो दाता बनेगा। वो कैसा होना चाहिए? वो पाप रहित होना चाहिए। पापी का दान कोई लेना चाहेगा? भाई गाय के मांस का जो लोग व्यापार कर रहे हैं, किसी उत्तम गृहीता से आप आशा करते हो कि वो लोग दान देना चाहेंगे तो कोई जाएगा लेने? वो कहेंगे कि हम इतना करोड़ दे रहे हैं, जो 1,000 के लिए मर रहा है, लेकिन अगर उत्तम गृहीता है वो उनके यहाँ का करोड़ भी नहीं लेगा, कहना भैया ये नहीं दूंगा। इसलिए दाता कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, धार्मिक बुद्धि वाला होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। और फिर वो दबाव से न दे रहा, स्वेच्छा से दे रहा, वो उत्तम दाता है।
और गृहीता पात्र होना चाहिए। अभी चर्चा अपने लोगों ने की, पात्र का मतलब क्या है, दूसरे ढंग से समझ लीजिए, पात्र क्या चीज होती है। पतनात्रायते, जो पतन से बचा ले उसी का नाम पात्र। पतनात्रायते यस्मात् तस्मात् पात्रम् प्रचक्षते। जब जैसे दूध है, यूं दुहा आपने तो वो क्या होगा, दूध जैसे ही थन से बाहर निकला गिर जाएगा। अब वो दूध मिट्टी में गिर ना जाए, व्यर्थ ना हो जाए, इसकी रक्षा कौन करेगा, वो बीच में जो बर्तन है पात्र। तो पात्र अगर बीच में होगा तो दूध जो है वो पतन से बच जाएगा, गिरने से बच जाएगा, व्यर्थ होने से बच जाएगा। इसलिए पात्र का मतलब है जो पतन से बचे। हमने फल दिया आपको प्रसाद में, तो आपने कर पात्र आगे कर दिया, तो गिरने से बच गए। और अगर ये ना आगे करते तो क्या होता, वो गिर ही जाता। इसलिए पात्र क्या करता है, आपको पतन से बचाता है। इसलिए ऐसा गृहीता होना चाहिए जो पात्र हो, सत्पात्र। ये शास्त्र में विचार किया गया है कि सत्पात्र को ही दान होना चाहिए, कुपात्र को नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न आया है कि मान लो सत्पात्र ना मिले और दान हमको देने का मन है, हम क्या करें। तो बताया कि आप ऐसा करिए कि अपने गोत्र वाले को बुलाइए, आपका जो सगोत्रीय हो, जाना पहचाना, फिर उसको दे दीजिए। वो भी ना मिले तो का अपने बंधु वर्ग में से किसी को जिसको उचित समझे उसको दे दीजिए। वो भी ना मिले तो का उसको दान की वस्तु को निकाल करके अलग रख दीजिए, जब सत्पात्र मिलेगा तब देंगे, तब तक उसकी सुरक्षा करिए। दे तो उसी समय दे दीजिए कि सत्पात्र के निमित्त मैंने ये दान का संकल्प कर दिया और निकाल के रख दिया। अब केवल वो सत्पात्र के हाथ में कब जाएगा, जब सत्पात्र मिल जाएगा। अगर लंबे समय तक रखने के बाद कोई सत्पात्र ना मिले तब कब तक रक्षा करें, ये प्रश्न आया। तो शास्त्र क्या कहता है, तद अभावेप सुनिक्षिपे, अगर वो भी ना मिल सके तो पवित्र जल में ले जा करके डाल दे, गंगा में, यमुना की धारा में दान की वस्तु जो संकल्पित है उसको प्रवाहित कर दे। लेकिन कुपात्र को तो ना ही दे, दान जो है वो सत्पात्र संबंधी ही है, किसी भी दशा में कुपात्र को नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो प्रतिगृहीता है वो भी महत्वपूर्ण है। षडंग में एक है दाता, एक है गृहीता और तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे पता चला कि ये दाता जो है वो श्रद्धालु है, कैसे पता चले। का लेने वाले जब उसके सामने आएंगे तो उनको देखते ही प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, आइए आइए हम, बहुत बढ़िया। जो श्रद्धालु दाता होगा वो अर्थी को देख के प्रसन्न होगा, और श्रद्धालु जो नहीं होगा वो अर्थी को देख के कहां से आ गया। वो प्रसन्न नहीं होगा। तो अर्थी को देख करके प्रसन्न हो और सत्कार के वचन बोले, आइए जी पधारिए जी, और क्रिया भी वैसे ही करे, नमस्कार आदि जो जरूरी है वो दिखाए। तो इससे समझना चाहिए कि ये जो दाता है, ये श्रद्धालु है, उसी से लेना चाहिए। अश्रद्धालु दाता हो तो उत्तम गृहीता को विचार बदल देना चाहिए कि नहीं नहीं क्षमा करिए, हम ब्रह्म में आ गए थे, अब हमारा ये विचार आपके द्वारा लेने का नहीं है। श्रद्धालु दाता होना चाहिए। और जो श्रद्धा है वो है कि नहीं, इसे भी पता चल जाता है कि ना देने वाले जो है वो कुछ ना कुछ बहाना खोज देते हैं, मिथ्या दोष लगा देते हैं कि हम देते तो लेकिन क्या करें ऐसी बात हो गई। उससे भी समझ में आ जाता है कि इनकी श्रद्धा नहीं है, छोड़ो छाड़ो।
तो दाता, गृहीता, श्रद्धा और जो देय वस्तु है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। देय वस्तु जो है वो पवित्र होनी चाहिए, और वो कितनी ज्यादा है, कितनी कीमती है, इसका महत्व नहीं है। न्याय से अर्जित है कि नहीं, इसकी महत्ता है। अन्याय से अर्जित है, घूस का पैसा है, किसी को सता करके लूटा गया पैसा है, नहीं लिया जाता। मक्का मदीना बना हुआ है, मक्का शहर में, मक्का से दूर मदीना है और फिर पहले मक्का है, जहां पर हज करने के लिए मुसलमान जाते हैं। तो जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना कर दी, सारे मंदिर वहां के तोड़ दिए कि हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, हम नहीं तो हम नया करेंगे, तो अंतिम मंदिर बचा मखेश्वर महादेव। मख माने हमारे यहाँ संस्कृत का शब्द है, मख माने यज्ञ, तो यज्ञेश्वर भगवान है मखेश्वर उनका नाम, उसी मख को मख मख मक्का कहते हैं। तो मखेश्वर भगवान का मूल विग्रह बचा, तो उस पे मोहम्मद साहब के जो लोग थे वो अड़ गए कि तोड़ेंगे। बाकी 360 मूर्तियां थी, रोज एक मूर्ति का उत्सव होता था, नित्य उत्सव होता था, विक्रमादित्य का बनाया हुआ। फिर और वहां पहले से ही श्रद्धालु जाते हैं, ये इनके बाद वहां भीड़ लगनी हुई ऐसा नहीं है, पहले से ही वहां इतने श्रद्धालु जाते हैं। तो तब सब मूर्तियां तोड़ दी, अंतिम मूर्ति पे आए तो वहां दो फाड़ हो गई। कुछ जो पुजारी थे उन्होंने कहा बस हो गया, बहुत ज्यादा कर लिया, अब इससे ज्यादा मत करो, इसको नहीं तोड़ने देंगे। वो कहते थे नहीं तो हम तो तोड़ेंगे, पूजा नहीं हो सकती। तो लोगों ने सोचा कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः, जो वहां श्रद्धालु पुजारी थे ये भी पुजारी परिवार के ही थे, कुरैश परिवार था, ये भी पुजारी परिवार के ही बेटे थे, लेकिन नास्तिक हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो मत, ये कहते थे तोड़ेंगे। तो फिर रास्ता निकाला गया मध्य मार्ग कि इसको कपड़े से ढक, कोई देख नहीं सकता। उन्होंने मान लिया कि ठीक है तोड़ो मत, कम से कम बच जाए, कपड़े से ढक देते हैं। तो चारों तरफ खंभे लगा करके कपड़ा से ढक दिया गया। अब उसी के बाहर तवाफ, वो तवाफ परिक्रमा होती है, अंदर नहीं जा सकते, केवल राजा जा सकता है। बस अंदर जो है वो मखेश्वर महादेव संगे अश्वत्थ काले पत्थर का शिवलिंग। तो अब हम क्या बताना चाहते हैं, ये तो प्रसंग बस हमने बताया, मूल बात ये है कि जब ये कपड़े से ढक दिया गया तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अब यहाँ पे हम भव्य मंदिर बनाएंगे अपने ढंग का, इबादतगाह जहाँ पे लोग आराधना कर सकेंगे हमारे अनुसार का, सब आएंगे, सब चारों तरफ खड़े होके करेंगे। तो कहा कि ठीक है, तो लाओ चंदा दो। तो चंदे के लिए बड़े बड़े जो सरदार थे उनको सबको बुलाया गया, तो सब बहुत सारा सोना चांदी सब लेके आए, ढेर लग गया। कहा ये हमारी तरफ से इतना किलो चांदी, इतना किलो सोना, हमारी तरफ से इतना किलो चांदी, इतना किलो सोना, इससे बनाइए। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है, ये कहाँ से आपके पास आया? बोले तो वहां की लड़ाई में हमने लूटा था। करना ये नहीं चले, आपके पास कहाँ से आया? बोले हमने वहां की लड़ाई में लूटा था, और कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा, हम कोई व्यापार थोड़े करते। तो मोहम्मद साहब ने कह दिया ये नहीं चलेगा, लूट के पैसे से हमारा धर्मस्थान नहीं बनेगा, गाढ़े पसीने की कमाई से जो पैसा होगा उसी से बनेगा। तो ये इतिहास है कि वहां पर चादर चादर ही टंगी रह गई, और उसके सामने तीन पैसा मिला। एक सरदार ने कहा कि मैंने इसको कमाया है, तीन पैसा है। तो ये तीन पैसा उन्होंने स्वीकार किया कि तीन पैसा है। और आप देखेंगे फोटो में, जूम करके देख लेना, जहां चौकोर बना हुआ है उसके आगे एक गोल दीवाल बनी, 3 फुट ऊंची है, 3 फुट ऊंची गोल दीवाल बनी है, वो 3 पैसे में उतनी ही दीवाल बन पाई।
और उतनी ही बनी रह गई, उसके बाद आगे बनी नहीं पाई, वही आज तक बना हुआ है। आए हुए पैसे की पवित्रता जांचना बहुत जरूरी होता है। अगर वो गलत पैसा होगा तो जिसके यहाँ जा रहा है उसका समूल नाश करेगा। इसलिए हमारे यहाँ दान की बात तो अलग है, कोई भी बेटा बेटी जब कमा के घर में पैसा लेके आता है, हमारे माँ बाप के हाथ में रखता है, तो माँ बाप उसको लेते नहीं है, कहते है पहले बता कहाँ से आए। अगर वो बताता है और सही रास्ता होता है तो कहते अच्छा ठीक है रख ले, और नहीं जाओ वापस हटाओ इसको। गलत पैसे को हमारे घर में हम लोग आने ही नहीं देते हैं। इसीलिए वो जो वस्तु है ना, उसकी भी पवित्रता अनिवार्य है। दान कितनी ज्यादा है कितनी कम है, कितनी ज्यादा कीमत की है कितने कम की है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो पवित्र होनी चाहिए। और इसी तरह से देश और काल का भी विचार दान के बारे में किया जाता है। कौन सा देश है, माने जिस देश में जिस वस्तु का अभाव है वहां वही देने का पुण्य, रेगिस्तान में पानी पिलाने का पुण्य, और पानी वाली जगह में दूध पिलाने का पुण्य। वहां पानी पिलाने से पुण्य नहीं होगा, वो तो है ही है, वहां दूध पिलाइए तो पुण्य। ठंडी जगह में कंबल बांटिए उसका पुण्य है, और गर्म जगह में मटका और पंखा सत्तू बैसाख मास में वही दिया जाता है। तो देश और काल, किस देश में किस वस्तु की कमी है, वहां पर कौन सी वस्तु पा करके लेने वाला प्रसन्न होगा, और काल जिस समय जो वस्तु दुर्लभ है उस समय वो अगर दिया जाए तो उसका बड़ा महात्म्य होता है। इस तरह से ये दान के 6 अंग। द्विहे तुम सदृष्ठानम षडंगम षड विपाक, 6 इसके परिणाम। जो दान दिया जाएगा उसका परिणाम 6 तरह से होगा। क्या क्या? दुष्फलम, उसका दूषित फल हो जाए, जैसे कुपात्र में दे दिया तो उल्टा फल हो जाएगा। निष्फलम, अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं दिया, सही भावना से नहीं दिया, तो दिया हुआ बेकार हो जाएगा, देना न देना बराबर। हीनम, जो जितना मूल्य से दे रहे हैं उसका कम फल मिलेगा। दुष्फलम निष्फलम हीनम तुल्यम, समान फल मिलेगा, जितने की चीज दे रहे हैं उतना ही फल मिलेगा। विपुलम, जितने की चीज दे रहे हैं उसके कई गुना बन के मिलेगा। ग्रहण के समय दान कर दे, कोई देश काल आदि का विचार करके, सत्पात्र आदि का विचार करके दे तो थोड़ा देगा बहुत फल उसका हो जाएगा। अक्षयम, और कभी कभी तो अक्षय फल हो जाता है, इतना कि कभी उसका उपयोग करें तो खत्म ही नहीं होगा। दुष्फलम निष्फलम हीनम तुल्यम विपुलम अक्षयम षड विपाकम समुद्दिष्टम षडेतानि विपाकतः। इसलिए जो विचार करके दान करता है वो थोड़ी सी चीज से भी बहुत प्राप्त कर लेता है, थोड़े से। चतुष्प्रकारों, इसके 4 प्रकार, 4 तरह से ये होता है। कैसे का? एक तो जो चोर हैं वो उठा ले जाते हैं, तो आप दो चाहे ना दो अपने आप चला जाता है। दूसरे आप बिना श्रद्धा भक्ति के दे देते हैं। तीसरे श्रद्धा भक्ति दोनों में से एक के बिना दे देते हैं, या तो श्रद्धा नहीं है या तो भक्ति नहीं है। और चौथे देते समय आपको पीड़ा होती है, दे करके सुख नहीं मिलता है, देते समय बंधन में लोकलाज के कारण दबाव के कारण दे देते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं होती है। त्रिविधम, 3 प्रकार का है दान देने के लिए। जिसको दान देना है क्या करना चाहिए, उसको बुला देना चाहिए कि आओ तुमको हम दान देना चाहिए चाहते हैं, कि उसके पास जा करके उसको दान करना चाहिए,
तो बताया उत्तम तो यह है कि जिसको दान देना चाहते हैं उसके पास जाइए और जा करके उससे प्रार्थना करिए कि हम ये देना चाहते हैं, स्वीकार करिए। मध्यम वो है कि उसको आमंत्रित करिए आदर पूर्वक, पधारें कृपया, और जब वो आए तब उनको दे दें, ये मध्यम है। और अधम जब आ करके मांगने लगे कि भाई आए हैं दीजिए कुछ, तब आप दें तो वो अधम। और अधमाधम भी एक है कि पहले कहें अच्छा पहले ये करो तब हम देते हैं, कुछ काम करवाएं और काम के बदले में दे दें। कहते हैं कि सतयुग में दान करने वाले जिसको दान देना चाहते थे उसको देते थे, माने जैसे कन्या का विवाह करना। तो पहले क्या होता था कि कन्या को लेकर वर के यहां जाते थे लोग कि हम अपनी कन्या को लेकर के आए हैं, आपको देना चाहते हैं। करदम ऋषि का ब्याह हुआ तो मनु महाराज अपनी बिटिया देवहूति को रथ में बैठा करके पति पत्नी दोनों करदम ऋषि के आश्रम में गए और प्रार्थना की कि ये हमारी बेटी है, आपके साथ इसका पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, कृपा करके स्वीकार करिए। और करदम ऋषि को ब्रह्मा जी पहले ही आके बता गए थे कि बेटा वो अगर मनु आए अपनी कन्या को लेके तो तुम स्वीकार कर लेना, मना मत करना। लेकिन करदम ऋषि ने फिर भी सोचा कि पितामह का आदेश है, स्वीकार तो करना है लेकिन थोड़ी सी तो परीक्षा कर लेना चाहिए, कोई भी चीज लेना है तो ऐसे ही ले लेना चाहिए कि दे रहे हैं तो ले लो, कुछ तो संस्कार है कि नहीं देख लेना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही वो आई मनु सद्रूपा के साथ देवहूति, तो उन्होंने मनु के लिए आसन दिया, सद्रूपा के लिए आसन दिया और देवहूति के लिए भी आसन बिछा दिया। अभिराजिए मनु सद्रूपा तो बैठ गए, देव होती नहीं बैठी, वो खड़ी रही। तो आप भी बैठिए, आप ही के लिए आसन लगाया। अब संकोच करने लगे। कपिल मुनि ने कहा बैठिए, आदेश हो गया। तो उसने आसन के बगल में बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रख दिया। कपिल मुनि ने समझ लिया कि ये संस्कार शीला है, ये मेरे भविष्य के पति हैं, इनके बिछाए गए आसन में मैं कैसे बैठूं, ये तो मेरे पूजनीय होंगे। ऐसा सोचकर वो नहीं बैठ रही थी। और जब आदेश हो गया तो आदेश भी मानना, जो पूजनीय है अवज्ञा नहीं कर सकती। तो फिर उसने अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रख दिया कि हमने देखिए आपके आदेश को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरी मर्यादा। तो ये बारीकी जब कपिल मुनि ने देखी तो कहा एवं अस्तु, ठीक है विवाह हो जाएगा, और हो गया। तो पहले के जमाने में दान देने वाला दान की वस्तु को लेके जिसको देना है उसके पास जाता था और तब देता था। और आज लड़के वाले बाजा गाजा लेके आते हैं, आए हैं डोली लेके जाएंगे, गाना बनाते हैं, तो अब अपने घर में बुलाया जाता है कि आप लोग आइएगा, बारात लेके आइएगा, हम आपको कन्या देंगे। अब बुला के दिया जा रहा है, अंतर हो गया। खैर ये बताया गया है कि अगर हम जो दान है वही दान अगर जिसको दे रहे हैं उसके घर जा करके देते हैं तो उसका फल अनंत है। चीज तो वही है लेकिन उसका फल अनंत है। अगर उसको अपने पास आदर पूर्वक बुला करके देते हैं कि आइए हम आपको कुछ देना चाहते हैं, फिर आता है तो देते हैं, तो उसका 1000 गुना फल है। अगर श्रद्धा भक्ति पूर्वक आदर के साथ देते हैं, अगर आकर के मांग रहा है फिर भी दे देते हैं तो 500 गुना फल है। और अगर सेवा करवा करके देते हैं तो उसका निष्फल है, कोई दान का फल नहीं होगा, फिर तो मेहनताना हो गया, मेहनताना में दान का फल क्यों मिलेगा। इसलिए दान के बारे में इस बात का भी विचार है, इसलिए त्रिविधम दानमुच्यते, 3 प्रकार है।
और त्रिनाशम, तीन तरह से दान नष्ट भी हो जाता है। एक तो कभी कभी ऐसे मुहूर्त हैं जिस समय दान विवर्जित है, उस समय दान नहीं करना चाहिए। जैसे बेटा हुआ तो बेटा जब हो गया, संतान हो गई, बेटा बेटी दोनों का तात्पर्य है, कोई ये ना पकड़ ले कि बेटा ही गया। आजकल तो ये भी समस्या, तो यहाँ संतान से तात्पर्य है कि संतान उत्पन्न हुई तो लोगों को प्रसन्नता होती है तो लोग दान करते हैं, लेकिन वो दान कब तक किया जाएगा? यावत न छिद्यते नालम तावत दानम प्रशस्यते, जब तक नाला छेद नहीं हुआ है। बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के बाद आजकल के जैसे थोड़े कि पहले से खड़े हैं तैयार, फिर वो बुलाया जाएगा। नाला छेद करने वाली जो माता है, दाई, उसको बुलाया जाएगा, जाओ जाओ, तो दौड़ के आदमी जाएगा, वो गांव में किसी कोने में होगी, कहेगा भैया बच्चा पैदा हुआ है आओ, वो कहेगी अभी घर का काम करके आती हूँ, तो फिर वो जल्दी से वहां पे जो काम कर रही होगी उसको समेटेगी, किसी को संभलाएगी, फिर आपके घर के लिए चलेगी, तब आएगी और तब फिर संसाधन जुटाएगी। ये ऐसा थोड़े कि किट तैयार, तब वो नाला छेद करेगी। इतनी देर में आप जितना दान करना है करिए, या वन न छिद नाला, और एक बार नाला छेद हो गया तो सूतक लग गया, फिर दान बंद हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब दशरथ जी को ने सुना पुत्र जन्म, बड़े प्रसन्न हो गए, अब देने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं था। सर्वस दान दे दिया, जो सामने आया उसी को विचार किए बिना देने लगे, हर्ष का दान था। और जही पावा राखा, जो पाता था वो भी हर्ष में था, तो वो भी काहे को रखेगा, वो भी देते जाता, लुटा रहे थे लोग। अब लोग कहते हैं कि जब जही पावा राखा नहीं था, जिसने पाया वो भी नहीं रखा, तो गया कहां? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। तो इसका उत्तर यही विद्वान लोग देते हैं कि जब तक नाला छेद हो रहा हुआ नहीं था तब तक ये सब चला। जैसे ही नाला छेद आ गया, घोषणा हो गई कि नाला छेद हो गया, वैसे जिसके पास था, क्योंकि दान देना बंद हो गया। तो विवर्जित समय में दान दिया गया नाश, त्रिनाशम दानम उच्यते, तीन नाश हैं। अथवा किसी ने लूट ली, और या तो फिर दान का ग्रहण करने वाला नहीं मिला, तो आपका जो दान है वो सफल नहीं हो पाता है। दानम भोगो नाश, तिश्रो गतयो भवन्ति तस्य यो न ददाति न भुंते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग और नाश, तीन गति है, इसी को त्रिनाश कहते हैं। दान करेंगे तब भी आपके पास से तो चला ही जाएगा, भोग करेंगे तब भी आपके पास से चला जाएगा, और नाश माने लूट पाट हो गई तो भी चला जाएगा। तो ये जो धन है आपके पास, ये एक माँ की तरह का है, एक बेटी की तरह का है, और एक पत्नी की तरह, बेटी बहन की तरह, बेटी बहन एक ही में आ गया। तो जो माँ की तरह का दान है वो पूंजी है, ना तो उसका भोग किया जा सकता, ना तो उसका दान किया जा सकता। माने आपका जो धन है उसका एक अंश मातृस्वरूप है, लक्ष्मी है ना, तो मातृस्वरूपा भी तो है लक्ष्मी, तो आप उसका भोग नहीं कर सकते, ना तो दान कर सकते। वो पूंजी के रूप में विद्यमान रहेगा, आशीर्वाद देता रहेगा, फलाता रहेगा, फुलाता रहेगा। दूसरा बहन बेटी की तरह से, उसका भोग नहीं कर सकते, उसका तो दान ही करना है। और पत्नी की तरह का जो है उसका भोग ही कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते। इसलिए धन की तीन गति, और धन्य सो धन सो धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है दानी, दान करने वाले को कहते हैं। अपने यहां बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं जिन्होंने दान धर्म को ही अपना प्रमुख धर्म बना लिया। ये जितने धर्म हम लोग बता रहे हैं, जैसे स्मृतियों में हम लोगों ने 37 धर्म निकाले सामान्य धर्म, उन्हीं की चर्चा में से दान धर्म चल रहा है। ये जो 37 धर्म हैं, इनमें से दान कोई भी एक धर्म, बहुत से लोगों ने किसी एक धर्म को अपना प्रमुख धर्म बना लिया और उसी के आधार पर उनकी नैया पार हो गई। इसलिए
दान धर्म भी ऐसा ही है। कोई कोई ऐसे हैं जिन्होंने दान के माध्यम से ही अपना जीवन सफल कर लिया। ऐसे दानवीरों में कर्ण का नाम आता है, दानवीर कर्ण। कहते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण कह गए। अर्जुन बैठे थे, चर्चा चल रही है कि दानी कौन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसमें क्या विचार करने की जरूरत है, अपना कर्ण। कहा महाराज आप तो हमारे प्रति जो दुर्भाव रखता है उसी का अभिनंदन करते हैं। कहा ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो देख लो। दो पहाड़ थे सामने, भगवान ने मंत्र पढ़ा और फूंका, दोनों पहाड़ सोने के हो गए। बोले ये लो, दो पहाड़ सोने के हो गए, एक तुम बांट दो गांव वालों को और एक को कर्ण को बुला देते। कहा ठीक है बुलाइए, अभी पता चल जाएगा। तो एक पे चढ़ गए अर्जुन और चिल्लाए, भाई जिसको सोना चाहिए आ जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। तो लोग आए, भीड़ लग गई। अब अर्जुन क्या करते थे, कटर लेके बैठे थे तो काटते थे, कितना चाहिए बोलो। वो कहते थे इतना चाहिए, हाँ लो इतना लो, तुमको कितना चाहिए ये लो इतना लो। तो काट काट के दे रहे हैं, लाइन लगी हुई है, एक काटेंगे तो फिर उसको देंगे, फिर तीसरे का नंबर आएगा, फिर वो। और उधर कर्ण, उसको बुलाया कि भाई ये सोने का पहाड़ है दान कर दो। उसने भी आवाज लगाई कि भाई आइए जिसको चाहिए। बहुत सारे लोग उधर भी इकट्ठा हो गए। कर्ण ने कहा देखो भाई ये पहाड़ है, जल्दी खत्म होगा नहीं, जिसको जितना चाहिए अपने मन से ले लो, हम चले। देने देने में अंतर है, वो जो है पूछ पूछ के दे रहा है कितना चाहिए। कर्ण ने कहा जिसको जितना चाहिए पहाड़ है, कोई खत्म तो हो नहीं जाएगा, ले लो जितना जिसको चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देखो, कहा महाराज नमस्कार है आपको, आप सही कह रहे हैं। कर्ण के बारे में कथाएं आती, कहते हैं कि युधिष्ठिर बड़े दानी हो गए। जब वो राजी आसन पर बैठे तो वो भी बड़ा दान करने लगे, तो भीमसेन के मन में आ गया कि हमारे भैया भी बड़े दानी हो गए, अब कर्ण का नाम पीछे हो जाना चाहिए, अब हमारे भैया युधिष्ठिर का नाम आना चाहिए कि सबसे बड़े दानी युधिष्ठिर हैं। कृष्ण के पास गए, बोले अब हमारे भाई बड़े दानी हो गए, आप हर समय कर्ण का नाम लेते रहते हैं, कर्ण बड़ा दानी, कर्ण बड़ा दानी, अब आप युधिष्ठिर जी का नाम लीजिए। कहा अच्छा बड़े दानी हो गए हो। कहा बहुत बड़े दानी। कहा ठीक है हम परीक्षा करेंगे, हमारे साथ तुम वेश बदल के रहो। दूसरे दिन ब्राह्मण का वेश बनाया, भीमसेन को भी वेश बदलवा के साथ कर लिया, युधिष्ठिर के दरबार में पहुंच गए। महाराज बोलिए क्या बात। कहा हमको अपने पिताजी के संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत, अगर मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, उनकी बड़ी इच्छा थी। हम लोग तो इस लायक नहीं हैं कि यह चंदन की लकड़ी प्राप्त कर सकें, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मेरा संस्कार चंदन की लकड़ी में ही हो, और हमको क्या पता था कि अभी चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग कुछ जुगाड़ करके रखते। तो महाराज बड़ी धर्म संकट में फंस गया हूँ, पिताजी का शव एक तरफ पड़ा हुआ है और चंदन की लकड़ी कहाँ से लाऊं, तो आपके पास आया। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, रुकिए विराजी, आसन पर बैठा दिया, अपने कर्मचारियों को आदेश किया जाओ भाई लकड़ी के ताल में जाओ, चंदन की लकड़ी में लकड़ी ले आओ। गए वो लोग, कहा महाराज चंदन की लकड़ी तो है नहीं, चंदन के पेड़ अपने पास हैं, कहिए तो कटवा दो। कटवा दो, ब्राह्मण आया है काट के ले आए, ले तो आए लेकिन गीले गीली लकड़ी थी, अभी अभी पेड़ कटा हुआ था। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज चंदन तो है लेकिन इसमें अगर हम संस्कार करना चाहेंगे तो हो नहीं पाए। बोले अब और क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं आप।
देख लीजिए, कहा नमस्कार चले गए। कृष्ण ने कहा अब चलो कर्ण के यहां चलते हैं, कर्ण के यहां चले। कर्ण से यही बात कही, कर्ण ने कहा हाँ अभी हम करते हैं। उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को बुलाया, भाई जरा चंदन की लकड़ी लाओ पंडित जी के लिए, पर्याप्त लाना, इनके पिताजी का संस्कार अच्छे से होना चाहिए। वो गए, वो भी लौट के आ गए कि महाराज चंदन की लकड़ी तो सब यज्ञ में भस्म हो गई है, युधिष्ठिर के यहाँ भी नहीं होगी, हमारे यहाँ भी नहीं है, साहब यज्ञ हुआ था उसमें सब समाप्त। कहा तब पेड़ है अपने पास, कहिए तो कटवा दें। कहा भाई तुम कैसे आदमी हैं, उनको चिता के लिए लकड़ी चाहिए, अभी अगर पेड़ काट करके चंदन की लकड़ी लाओगे तो जलेगी कैसे, वो तो गीली लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं दी जा सकती है। कहा तब क्या करें, कारी ले आओ, आदमी बुलाओ काटने वाले, हमारे घर के खिड़की दरवाजे चौखट पल्ले सब चंदन के बने हुए हैं, उखाड़ो। उखाड़ करके ब्राह्मण को कर्मचारी आ गए, बढ़ई उखाड़ उखाड़ के चौखट, उखाड़ उखाड़ के पल्ले ले आए, ढेर लगा दिया। कहा महाराज कितने में हो जाएगा बताइए, अभी और है। ब्राह्मण ने देखा कि 5-6 दरवाजे उखड़ चुके, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, इतने से हमको पर्याप्त हो जाएगा। भीमसेन की ओर कृष्ण ने देखा, भीमसेन क्या कहते, कहा महाराज आप सही कहते हैं, दानी तो कर्ण है, युधिष्ठिर दानी नहीं है। कहते हैं कि जब युद्ध पूरा हो गया, माने युद्ध चल रहा था, कर्ण जो है गिर गया, ऐसे समय में उसकी अंतिम परीक्षा हुई कि कितना बड़ा दानी है कि नहीं। भगवान ने पांडवों को कहा कि देखो इसकी अंतिम परीक्षा करके दिखाते हैं, इससे बढ़कर के कुछ दूसरा दानी नहीं हो सकता। कहा महाराज बताइए कैसे करें। तो युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए। कहा महाराज बच्ची का विवाह करना है, हम ज्यादा दहेज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सालंकृताम लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम उभ्यम अहम प्रदत्ते संकल्प होता है, तो कम से कम एक लाल धागे में थोड़ा सोना तो गले में लटका नहीं पड़ता, ताग पाग कम से कम थोड़ा सोना होना चाहिए, सालंकृता है ऐसा कहने के लिए, तो महाराज थोड़ा सा सोना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ थोड़ा क्या, खूब ले जाइए पंडित जी, क्या दिक्कत है, लाओ भाई इनको सोना दो। बोले अब तो छुट्टी हो गई, जो खजांची हैं वो तो घर चले गए। युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मण देवता कल सवेरे आप 9 बजे आ जाइए, खजाना खुलेगा सबसे पहले आपको सोना दिया जाएगा। कहा महाराज नमस्कार। कर्ण के पास, कर्ण गिरा हुआ था, बोले ऐसा ऐसा काम है। कहा अरे थोड़ा सा सोना वो तो है हमारे पास, महाराज कैसे कहाँ है। कहा बाकी तो सब खत्म हो गया, मेरे दांत में सोना लगा हुआ, इसको उखाड़ लीजिए। कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूं, दांत कैसे तोड़ू, ये मुझसे नहीं हो सकता। कहा तो मुझको पलटा दीजिए, तो पलटा दिया तो वहीं पे पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर को लेकर के कर्ण ने अपने दांत में मारा, दांत उखड़ गए, सोना बाहर निकल करके गिर गया। कहा ब्राह्मण देवता इसको ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं नहीं ले सकता, क्यों, इसमें खून लगा हुआ है, जिस सोने में खून लगा हुआ है उसको मैं कैसे हाथ से छू लूं, ना ये नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा महाराज हमको थोड़ा सीधा कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं। कहा हाँ कर रहे हैं, पलटा दिया सीधा हो गया। कहा धनुष मेरे हाथ में पकड़ा दीजिए, बाण मेरे हाथ में पकड़ा दिए, पकड़ा दिया, एक बाण मारा ऊपर बादलों में तो वर्षा होने लगी, उसी वर्षा से उस सोने में लगा जो खून था वो धुल गया। कर्ण ने कहा महाराज अब तो स्वीकार कर लो, दानवीर।
कवच कुंडल का तो आप जानते ही कि कैसे कर्ण के कवच कुंडल भगवान श्री कृष्ण और इंद्र ने मिलकर के मांग लिए थे। कुंती को वचन दिया कर्ण ने, एक तरह से दान कर दिया कि जाओ तुम पांच पांडवों की माता कही जाती हो, अर्जुन के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, उसने मेरा बड़ा अपमान किया, लेकिन बाकी किसी पांडव को मैं नहीं मारूंगा। और उसको निभाया। कई बार वो लोग फेरे में आए, चाहता तो कर्ण मार देता, लेकिन उसने कभी नहीं मारा नहीं। इस तरह से एक और कथा आती है कि कर्ण ने अपना यौवन भी एक बार दान कर दिया था, जवानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण बनकर भगवान श्री कृष्ण आए, भीमसेन कह रहे थे कि आप इन्हीं की प्रशंसा करते हैं, नहीं दुर्योधन कह रहा था कि आप कर्ण की प्रशंसा करते हैं, अरे हम भी दानी हैं, वो हमारा मित्र है, जब उसके पास कुछ नहीं था तो हम ही ने तो अंग देश का राजा बनाया था उसको, आप हमको नहीं कहते हैं कि हम दानी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई हम किसी कारण से कहते हैं, ये ठीक नहीं है आपका। भगवान तो कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन दुर्योधन सभा में बैठा हुआ था, ब्राह्मण देवता बन करके भगवान पहुंच गए, कहा दुर्योधन कुछ हम मांगना चाहते हैं राजन। कहा मांगिए महाराज, जो आप मांगेंगे हम देंगे। कहा वचन दो। कहा वचन ही है हमारा, हम अब दान के आसन पे बैठे हुए। दुर्योधन को कम मत समझिए, दानी है दुर्योधन, मांगिए क्या मांगना है। कहा देखो हमारा बुढ़ापा आ गया, हमसे चला नहीं जा रहा, ये हमारी स्थिति है, और हमारी जो इच्छा है वो चार धाम यात्रा करने की है। तो चार धाम तो बहुत दूर है, दो कदम चला नहीं जा रहा है, चार धाम जाने की हमारी इच्छा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जवानी हमको थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, तो हम चार धाम करके आ जाएं, फिर आपको वापस कर दें। दुर्योधन ने कहा अरे ये ब्राह्मण देवता ने कैसी मांग मांगी, क्या करूं। तुरंत दिमाग में आ गया बुद्धिमान, कहा देखो ये जो हमारी जवानी है ये केवल हमारी नहीं है, इसपे हमारी पत्नी का भी हक है, इसलिए उससे पूछना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा पूछ लीजिए, क्या दिक्कत। गए अंदर, थोड़ी देर में बाहर मुंह लटका के आ गए, नहीं नहीं पत्नी नहीं मान रही है, कह रही है कि जवानी नहीं देना किसी को, हम नहीं दे सकते महाराज, क्षमा करें। ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं, और फिर कर्ण के यहाँ गया। यही कहानी कर्ण के सामने कही, कर्ण ने कहा कोई बात नहीं महाराज, अगर आपको तीर्थ यात्रा करना है और हमारी जवानी का उसमें उपयोग हो जाए तो हमको भी कुछ फल तो मिल ही जाएगा, हम तो तीर्थ यात्रा का बारे में सोचे भी नहीं थे, और आपने इतना सुंदर प्रस्ताव हमारे सामने रख दिया, हमको तो घर बैठे तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा, ले लीजिए हमारी जवानी। ब्राह्मण देवता बोले महाराज थोड़ा सा रुक जाइए, ये जवानी आपकी केवल अकेली की नहीं, इस पे आपकी पत्नी का भी अधिकार, उससे पहले पूछ लीजिए। कर्ण ने कहा ब्राह्मण देवता आप गलत बात नहीं कह रहे हैं, उचित बात है। बुलवाया पत्नी को, पधारो राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। कर्ण की पत्नी आ गई, कर्ण ने भरी सभा में उससे पूछा कि ये ब्राह्मण देवता आए हैं तीर्थ यात्रा के लिए, हमारी जवानी मांग रहे हैं, आपकी इसमें क्या सम्मति। कहा महाराज इतने के लिए आपने हमको दरबार में बुला लिया, ब्राह्मण देवता को देने में इतनी देर, मैं आऊंगी तब दिया जाएगा, मैं जानती हूं कि आपको भरोसा है कि मैं आपके दान कार्य में कभी बाधा नहीं बनूंगी, फिर भी आपने मुझको बुलवाया, इतने देर तक ब्राह्मण देवता को आपने प्रतीक्षा कराई, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, जल्दी से दीजिए। महाराज
माने हम ये कहना चाह रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि कर्ण बहुत बड़े दानी थे, कर्ण बहुत बड़े दानी थे ये कहा जाता है, लेकिन कर्ण की अर्धांगिनी वो भी कम बड़ी दानी नहीं थी, उसका भी स्मरण किया जाना चाहिए। कोई भी पति बिना पत्नी के सहयोग के धर्म नहीं कर सकता, वो सहयोग करेगी तभी धर्म कर सकता है, और अगर सहयोग करने का स्वभाव उसका ना हो तो कितना ही बड़ा आपका स्वभाव हो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेटर और ब्रेक उसी के पास है, वो चाहेगी तो आगे बढ़ाएगी, चाहेगी तो रोक देगी, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण की पत्नी उनके धर्म कार्य में इतनी बड़ी सहायिका थी कि वो उसने कह दिया कि सोच भी नहीं सकते कि हम बाधा बनेंगे। तो ये हमारे देश का आदर्श है बंधुओं। चूंकि समय कम हो गया और दान धर्म तो इतना विशाल है कि इसके बारे में तो कई दिन कहें तो भी कम है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज हम लोग यहीं पर विराम ले रहे हैं। कल श्राद्ध पर चर्चा होगी, वो भी एक धर्म है। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।